दोस्तों अगर सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना है तो साउथ का बारे में जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि साउथ में ऐसा मूवी बनता है सब लोगों को दीवाना बना देता है और सब मूवी में भर भर के सस्पेंस और थ्रिलर सीन देखने मिलता है। ऐसे 5 सस्पेंस और थ्रिलर मूवी में लेकर आया हूँ, अभी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 5 में आता है अथीरन। इस मूवी में फहद फासिल और साई पल्लवी देखने मिलेगा। इस मूवी का थोड़ा एक्सप्लेन देता हूँ। इसमें दिखाया जाता है जो साई पल्लवी है उसका ब्रेन हालत बिल्कुल बराबर नहीं है। जब उसके घर में एक दुल्हन आएगा, एक किसी को मार दिएगा, तब घर के सभी आदमी डिसाइड करता है इसको पागलखाने भेज देना चाहिए। और जब साई पल्लवी को पागलखाने भेज दिएगा, एक डॉक्टर आएगा उसको सही इलाज करने के लिए, लेकिन डॉक्टर भी चौंक जाएगा क्योंकि साई पल्लवी एक साइको है। अभी इस साइको के जरिए बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर सीन देखने मिलेगा और डॉक्टर कैसे साई पल्लवी को ठीक करेगा और साई पल्लवी का जो बचपना है उसमें क्या क्या होता है इस मूवी में देखने मिलेगा। मूवी बहुत ही जबरदस्त है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हो। इसको IMDb में रेटिंग मिला 6.7। मूवी का नाम है अथीरन। नेक्स्ट में आता है किंग ऑफ कौथा नाम के एक मूवी। इसमें आपको देखने मिलेगा दुलकर सलमान। ये भी बहुत ही मिस्ट्री थ्रिलर और एक्शन से भरी मूवी। आपको बहुत ही जबरदस्त मजा मिलेगा इस मूवी में। इसमें दिखाया जाता है कौथा नाम के एक प्लेस है और उसमें कौन किंग बनता है। अभी जो दुलकर सलमान है हीरो, वो कैसे किंग बनता है और जो दूसरा कलाकार है वो किंग बनने के लिए क्या क्या करता है, इसमें आपको मिस्ट्री और थ्रिलर भर भर के देखने मिलेगा और एक्शन भी देखने मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा इस मूवी को, बहुत ही अच्छा खासा मूवी है, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। मूवी का नाम है किंग ऑफ कौथा। इसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हो। इसका IMDb में रेटिंग मिला 6.1। नेक्स्ट में आता है इरुल नाम की एक मूवी। इसमें आपको फहद फासिल देखने मिलेगा। ये मूवी आया था 2021 में। इसमें दिखाया जाएगा एक कपिल है, एक घूमने जाएगा और एक बारिश के रात को गाड़ी खराब हो जाएगा और एक घर में जाएगा हेल्प लेने के। अभी उस घर का जो ओनर है वो बहुत ही बुरी तरीके से एक कपिल को इस्तेमाल करेगा और बाद में पता चलेगा जो घर का ओनर है ये साइको किलर है। बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरा ये मूवी। आप देखोगे एक बार तो आपका रोंगटे खड़ा कर दें। बहुत ही जबरदस्त मूवी है। मूवी का नाम है इरुल। ये आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। इसका IMDb में रेटिंग मिला 5.8। नेक्स्ट आता है इराइवन नाम की एक मूवी। बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर और साइको किलर का खूंखार करावा इस मूवी में देखने मिलेगा। इसमें आपको देखने मिलेगा नयनतारा और जेम रवि। मूवी का थोड़ा एक्सप्लेन देता हूँ। इसमें जो हीरो है वो पुलिस SCP है और इसमें एक खतरनाक सीरियल किलर भी है जो लड़की को अगवा कर लेता है और मार डालता है। मरा हुआ लड़की को फेंक देता है कोई रास्ते पर, कोई कुएं पर, कोई नदी पर, ऐसे करता है। और आपको ये मूवी इतना खतरनाक लगेगा आपको रोंगटे खड़ा कर देंगे, क्योंकि इसमें जो सीरियल किलर है बहुत ही जबरदस्त सीन निभाया इस मूवी में और ऐसे बुरी तरह से लड़की को मारता है, आप देखे हुए तो शौक हो जाओगे। मूवी का नाम है इराइवन। इसको आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। इसको रेटिंग मिला है 4.7। और हमारे लिस्ट में जो आखिरी मूवी आता है इसका नाम है सजन सिंह रंगरूट। ये मूवी 2018 में आया था। ये वार सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मैं इसका हिस्ट्री थोड़ा एक्सप्लेन देता हूँ। अक्षय कुमार का एक मूवी है, मूवी का नाम है केसरी। उसका जो हिस्ट्री है कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता है इस मूवी का। इसमें दिखाया जाता है ओल्ड जमाने में जब इंग्रेस आया था तब इंग्रेस के विरुद्ध जो सिंह लोग है वो कैसे कैसे युद्ध किया था। बहुत ही आर और सस्पेंस थ्रिलर इस मूवी में देखने मिलेगा। इस मूवी को जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। खास करके जो युद्ध है वो समझ जाएगा युद्ध का टाइम क्या क्या हुआ था। इसको आप प्राइम वीडियो में देख सकते हो। इसका IMDb में रेटिंग मिला 7.3। अभी जितना मूवी का मैं एक्सप्लेन दिया सब आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा और सभी मूवी बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर और क्राइम सीन से भरा है। और आप जरूर कमेंट कीजिए आपको इसमें से कौन सा मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वीडियो अच्छा बने जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत ही उम्मीद बढ़ता है।